तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज के कार लास्ट में एक बार फिर से। ये देखिए मारुति इको है, इसमें एक इशू है, मतलब इसका क्लच दबाने पे इसमें एक इरिटेट आवाज़ आ रहा है। देखो स्टार्ट करो तो देखो क्या सॉल्यूशन है, और इसकी क्लच प्रेशर भी डालूंगा मैं। वैसे तो क्लच बेयरिंग की आवाज़ देखो सिंपल सी बात मैं बता दूँ, हमको यूँ ही पता लग जाता है सारी चीज़ों का, है ना। छोड़ो क्लच, छोड़ के रखो। देखो मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, देखो अभी क्लच नहीं दाब रखा, आवाज़ साइलेंट, क्लच दबाओ, ये देखो छोड़ो क्लच दबो, ये देखो इस तरीके का इरिटेट साउंड आ रहा है। इसका मतलब है इसका क्लच बेयरिंग गया, लेकिन अब खोल के देखेंगे देखा क्या क्या खत्म है। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट भी खत्म हुई तो वो भी रिप्लेस करेंगे, तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। चलो कर दो बंद, तो चलो खोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, गियर को खोलने का प्रोसेस चालू है। चलो गियर निकालते बाहर, तब आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, गियर उतार दिया है, अब इसका क्लच बेयरिंग निकाल के और क्लच बेयरिंग निकाल के भी आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या बात कर रहा था मैं, वो भी दिखाऊंगा। हाँ भाई, इसका क्लच बेयरिंग निकाल दो और क्लच प्लेट निकाल दो बाहर। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा क्लच बेयरिंग, है ना। अब देखो इसे घुमाने पर देखो आवाज़ कर रहा है, जंग खा चुका है घुमाना। ये देखो ये आवाज़ आती है जब अपन क्लच दबाते हैं। तो अभी इसकी क्लच प्रेशर भी निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ें रिप्लेस करेंगे पूरी और आपको दिखाएंगे। देखो इसकी रियल रेट क्या है और कौन सी कंपनी की डालनी चाहिए। मैं तो देखो जो डालता हूँ ना वो बताऊँगा, मैं MGP की भी डाल देता हूँ लेकिन दूसरी भी डालता हूँ। चलो तो चल दिखाता हूँ मैं, निकल जाए क्लच प्लेट। तो ये देखो दोस्तों, ये क्लच प्लेट का ये हाल है। ये देखो लोहे पाड़ के चल रही थी ये देखो, और ये देखो ये वाली प्रेशर प्लेट का देखो बिल्कुल हीट खा चुकी भयंकर, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है ये देखो। तो अभी इसमें देखो आपको दिखाता हूँ निकली कौन सी कंपनी की है, जबकि ये ओरिजिनल कंपनी से फिटेड है। ये देखो वैल्यू, ये भी देखो वैल्यू। तो चलो नहीं लेके आते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये MGP की, ये भी खोलो प्रेशर प्लेट का भी। ये देखो खोलो, निकालो बाहर। तो ये देखिए दोस्तों, ये MGP की तो क्लच और प्रेशर है। जो MGP में देखो, मैं दिखा दूँ आपको कौन सी निकलती है। ये देखो वैल्यू, ये देखो वैल्यू। और 2300 रुपये का तो ये सेट है और 600 रुपये का ये क्लच बेयरिंग है। ये देख लो दोस्तों, यानी 2300 रुपये का ये सेट आएगा और 600 रुपये का ये क्लच बेयरिंग आएगा। ये भी आप ध्यान रखो, ये बताने की चीज़ है। और ये देखो वैल्यू कंपनी की मैं डालता हूँ, इससे क्या गाड़ी में एक तो पिकअप की जो होती है ना वो काफ़ी बढ़िया देती है और माइलेज भी काफ़ी बढ़िया निकालती है गाड़ी। यानी ये दोनों चीज़ें अगर प्रॉब्लम हो ना तो इनसे सॉल्यूशन भी होता है ये चीज़ों का। तो चलो इसे करवाते हैं फिट, जो आप लोगों काम की बात थी वो मैंने आपको बताई थी इसमें। तो चलो फिट करवाते हैं, फिट करवा कर देखो आवाज़ सुनाऊंगा, देखो किस तरीके से आवाज़ साइलेंट हो जाती है एक छोटे से क्लच बेयरिंग से। फिर भी एक ये छोटा सा इशू होता है, तो चलो चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, क्लच बेयरिंग लगा दिया, क्लच प्लेट लगा दी और इसे सेट कर दी। अब गियर को टाकना बाकी है, तो अभी बढ़िया आराम से सेंटर वेंटर मिला के, तो अब सिर्फ गियर टकेगा दोस्तों। तो टाकते गियर को और फिर आपको आवाज़ सुनाएंगे, देखो कितना फ़ायदा होता है। और ये देखो क्लच प्लेट डालने से और प्रेशर प्लेट डालने से बहुत फ़ायदा होता है गाड़ी में। और ये भी इसका सही टाइम पे डल गया, वरना कहीं रास्ते में ख़त्म हो जाती और गाड़ी रुक जाती। तो क्लच बेयरिंग तो शायद बरसात का पानी जाने की वजह से आवाज़ की है देखो, लेकिन उसके साथ बढ़िया हुआ जो क्लच प्रेशर भी हो रही है। अब इस गाड़ी में काफ़ी लंबे टाइम तक तकलीफ नहीं आएगी। तो चलो टाँकते हैं आप। दोस्तों ये देखो गियर कम्प्लीट है पूरा, ये टाँक दिया कस दिया वगैरह सब कम्प्लीट है। और ये देखो, हाँ भाई स्टार्ट करो अब। हाँ क्लच छोड़ो एक मिनट, अब देखो बिल्कुल सेम आवाज़ है ना। अब देखो ये क्लच दबाओ, ये देखो कोई आवाज़ नहीं, छोड़ो दबाओ, ये देखो बिल्कुल साइलेंट। मतलब यानी एक सिर्फ क्लच बेयरिंग की वजह से वो नॉइज़ पैदा हो रही थी, और वो चीज़ ऐसी थी दोस्तों कि रास्ते में अगर टूट जाती ना तो ये मान के चले काफ़ी लंबा यानी कि परेशानी हो जाती और गाड़ी कहीं रुक जाती रास्ते में। तो ये चीज़ अगर इस तरीके की नॉइज़ आपको आया ना भाई, जैसे पेडल दबा रहे अपन क्लच का और हल्की हल्की सरचराहट की आ रही, तो आप तुरंत जाएं
और गियर खुलवाएं और क्लच बेयरिंग डलवाएं, सिंपल सी बात है। और अगर मान लीजिए आपको उसी टाइम पे अगर लगे आपे क्लच प्लेट वगैरह चेक करवानी, अगर वो डाउन है क्लच प्लेट, तो आप उसे भी तुरंत रिप्लेस करवा दें, क्योंकि ये चीज़ें क्या है फिर बार बार में नहीं डलती हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो ये देखिए काफ़ी बेहतरीन हो चुका है काम। तो चलो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी हम चलते हैं, इसको कंप्लीट है, अब कस्टमर आएगा उसी से गाड़ी हैंड ओवर कर देंगे आवाज़ चेक करवा कर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो बेहतरीन होगी और ऐसी कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक के फायदे की होगी।